जय सीताराम दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला आज एक विशेष पौधे को लेके आ रहा हूँ और लगभग लगभग आप सब लोग उस पौधे को जानते होंगे। ये है कनेर का पौधा, देखिए और पहचान लीजिए। जो जानते होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए भी मैं पहचान करवा रहा हूँ। ये कनेर तीन प्रकार का होता है दोस्तों, लाल, श्वेत और पीले कलर का। तो अभी हम पीले कलर का कनेर को देख रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। इसको संस्कृत में करवीर, हयमार और सतकुंभ, अश्वमारक के नाम से जानते हैं दोस्तों, और हिंदी में कनेर अकरनैल के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों, ये भारतवर्ष के सभी मंदिरों, उद्यानों, गृह वाटिकाओं और फूलों के लिए, सभी जगह सजाने के लिए लगाया जाता है। इसकी तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसा मैं बता चुका हूं, लाल, श्वेत और पीली कनेर। इस वर्ष पर ये पर्यंत फूल आता है। श्वेत और पीली जहां तक सात्विक भाव प्रकट करती हैं, और ये ज़्यादा आपको मिलेंगी। इसका रासायनिक संगठन देखा जाए तो पौधे में सर्वांग विषाक्त होता है, मतलब विषयुक्त होता है, उपविषों में आता है। इसके मूल तत्व बीज और हृदय पर कार्य करने वाले ग्लाइकोसाइडों का पता चला है। इनमें नेरुडियोरिन तथा कैरोबिन स्कोपोलिन है। पत्तियों तथा हृदय पदार्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। पीले कनेर में पेरुबोसाइड आदि तत्व तो पाए जाते हैं। कनेर की भस्म में पोटेशियम लवण अधिक होते हैं दोस्तों। अब गुणधर्म की बात करें तो ये कनेर शिरोवेदना में भी काम आता है, नेत्र रोग में भी काम आता है। दांतों में भी लोग बाग करते हों, अच्छा दांत हिलते हुए हों, मजबूत हो जाते हैं। उपटन में काम आता है, हृदय शूल में काम आता है, बवासीर में काम आता है, कामेंद्री शिथिल हो जाना उनमें भी काम आता है, उपदंश में भी काम आता है। जैसे कोई कीड़ा वगैरह काट लिया हो, पक्षाघात में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जोड़ों के पीड़ा में, दाद में, चर्म रोग में, खुजली में, कुष्ठ में, और संक्रामक कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता इसमें है, कृमियों में, अफीम में और सर्पदंश में विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो कनेर सर्वांग विषैला होता है, इसलिए इसका आंतरिक प्रयोग कभी खाली पेट नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसका प्रयोग किसी चतुर्वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो आज मैं इसको आपके शिरोवेदना में प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। तो कनेर का पुष्प तथा आंवले की कांजी में पीस के, कांजी किसको बोलेंगे, कांजी मट्ठे को बोलेंगे, जो मट्ठे में पानी अधिक हो उसको कांजी बोल देते हैं, पीस कर मस्तक में लेप करने से शिरोवेदना हट जाती है दोस्तों। सफ़ेद कनेर और पीले कनेर के पत्ते को सुखा कर महीन पीस कर पीड़ा हो उस और नासिका छिद्र से एक दो चावल भर सुघाने से छींके आकर नाक से टप टप कर पदार्थ गिरता है, और या फिर कहा जाए तो कफ गिर जाता है और सिर की वेदना ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी के और भी प्रयोग मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में कार्य कर सकूं। तो दोस्तों, धन्यवाद।